वेलकम टू हेडी देवा साइंस यूट्यूब चैनल। तो अगर हम लोग के चैनल पे आप नए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले, जो कि यह है कि हम लोग आज पोर्ट प्लेट टेक्निक्स करने वाले हैं। तो हम लोग को बैक्टीरिया आइसोलेशन करने के लिए दो स्टेप आज करने वाले हैं, जो कि पोर्ट प्लेट है एंड है स्प्रेड प्लेट। ठीक है, तो यहाँ मेरा न्यूट्रनगर प्लेट जो कि मैंने बनवा के रखा है स्प्रेडिंग के लिए, और ये रहा मेरा स्टेरेट प्लेट जिसमें हम लोग आज पोर्ट प्लेट करने वाले हैं। मेरा माइक्रोवेल सैंपल जिससे हम लोग आज दो टेक्निक्स करने वाले, जो कि यह है स्प्रेडिंग वाला एंड और एक है पोर्ट प्लेट टेक्निक्स। चलो हम लोग अब पहले करते हैं पोर्ट प्लेट टेक्निक्स कैसे किया जाता है। तो पहले क्या करेंगे, ये रहा हम लोग का न्यूट्रनगर और ये रहा हम लोग का स्टेरेट प्लेट्स। तो मैंने क्या किया, जब हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम लोग का सरफेस जो है लैमिनर का क्लीन रहना चाहिए। तो मैंने 70% इथेनॉल से इसको पहले से क्लीन कर रखा गया है। तो अब मैं थोड़ा अपना हाथ को स्टेरिलाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ बाहर आ गया था कुछ देर के लिए। तो अब हम लोग स्टेरिलाइज कर लेते हैं अपने हाथ को अच्छे से। सो ये रहा मैं स्टेरिलाइज। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं हम लोग का बंसन बर्नर को अभी ऑन करूँगा उसको स्टेरिलाइज करने के लिए। तो अभी हम लोग का बनर लग गया है। अभी क्या कर, जब भी हम लोग कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उससे पहले हम लोग को प्लेट्स में हम कौन सा अगर लिए हैं उसका नाम लिखेंगे, देन उसका कौन सा डेट है और कौन सा एक्सपेरिमेंट्स है। तो हम लोग आज लिए हैं न्यूटन अगर, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे NA, जो कि है न्यूटन अगर। तो आज का डेट है 3/1/2023 और हम लोग का ये प्लेस एक्सपेरिमेंट्स है पोर्ट्रेट। इसका इस लिखने का कारण यह होता है कि हम लोग पता चल जाता है कि हम लोग ने एक्सपेरिमेंट्स कब किया था और सैंपल कितने दिन का है। अभी मैं सैंपल लोड करने वाला हूँ। तो फिलहाल जो माइक्रोवेल सैंपल्स है उससे मैं 10^-6 सैंपल लेके अभी स्प्रेडिंग करने वाला हूँ। अभी हम लोग सैंपल को अपने प्लेट्स में डाल देंगे। ये हो गया हम लोग का सैंपल लोड, इसका कर लिया। अब क्या करेंगे ना, जो न्यूटन अगर है उसको अब स्टेरिलाइज करेंगे। उसका पहले हम लोग प्लगआउट करेंगे, उसको प्लगआउट कर लिए, उसके माउथ को स्टेरिलाइज करेंगे इस तरह। इससे क्या होता है ना, क्रॉस कंटेमिनेशन जो है वो नहीं आता है। तो जब भी हम लोग करेंगे, जब भी जो कोई भी सैंपल्स को पोर करते हैं कि न्यूटन को पोर करते हैं, वो उसका माउथ को स्टेरिलाइज करना चाहिए, जिससे क्या ना क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो आपके सैंपल्स में। तो हमारा ये अभी न्यूट्रन स्टेरिलाइज हो जाएगा। तो मैंने अभी पोर करना शुरू कर रहा हूँ। अभी ये सैंपल के साथ मिल गया है। फिर से मैं क्या करूँगा ना, इसको फिर से थोड़ा स्टेरिलाइज कर लूँगा, जिससे कारण मेरा हाथ भी कुछ भी ना लगा और स्टेरिलाइज अच्छे से हो जाए। तो अभी फिलहाल हम कुछ प्लगिंग कर लेते हैं इसको, देन इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे। तो अभी हम लोग ने इसको मिक्स कर दिया। सो मिक्सिंग होने के बाद इसको पीछे रख देंगे सॉलिडिफाई होने के लिए। अब ये रहा हम लोग का। तो मैंने इसको अभी पोस्ट सॉलिडिफाई होने के लिए रख दिया है। तो ये हम लोग का पहला एक्सपेरिमेंट खत्म होता है यहाँ पे। तो फिलहाल दोस्त हम लोग अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए वो जा रहे हैं, जो कि है स्प्रेडिंग। तो हम लोग अभी स्प्रेडिंग करने वाले हैं। ठीक है, जो ये हम लोग वो करेंगे, जैसे ही हम लोग उसको माइक्रोवेल सैंपल लेकर कर रहे थे, ये भी उसे ही करेंगे स्प्रेडिंग। तो इसके लिए हम लोगों के पास माइक्रोवेल सैंपल्स है और प्लेट बनवा कर रखा है। सो लेट्स गो। मैंने पहले एक्सपेरिमेंट से बतवाया था कि हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस प्लेट्स के ऊपर नाम लिखना है। तो अभी फिलहाल उसे ही करेंगे, नाम लिख लेते हैं पहले। तो मैंने अभी लिख लिया है अपना जो डिटेल्स है प्लेट्स में। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी वो सैंपल में लिए थे 10^-6, तो अभी फिलहाल 10^-5 से लेके स्प्रेडिंग करते हैं। तो ये रहा हम लोग का सैंपल्स और अब इससे लेंगे। अब क्या करेंगे, अभी हम लोग सैंपल डलवाएंगे अपने प्लेट्स में। तो अब हम लोग का ये सैंपल डल गया है। तो अभी क्या करेंगे, ये रहा हम लोग का एल स्प्रेडर। तो अभी इसको फिर थोड़ा स्टेरिलाइज करवा देते हैं। जैसे कि हमने बताया था, स्टेरिलाइजेशन मेन फैक्ट है जो कि क्रॉस कंटामिनेशन दूर रखता है। ये रहा, मैंने स्टेरिलाइज कर लिया है। अभी ब्लर ऑन है तो इसको थोड़ा कूल करवा देते हैं।
तो अभी हम लोग स्प्रेडिंग करेंगे। तो ये रहा मेरा लूप स्प्रेडर, अभी मैंने स्प्रेडिंग शुरू कर दिया। अच्छे से स्लोली स्लोली करते रहिए। तो लूप को उसी तक घुमाते रहिए, जो हम लोग का है एल स्प्रेडर, स्प्रेडर को जब तक घुमाते तब तक आपको एक लुब्रिकेशन लेस फील ना हो, जब तक स्टिकीनेस ना हो, जैसे लग जाए कि आपका वो सैंपल अभी सूख गया है प्रेस में और आपको स्प्रेडिंग करने का ज़रूरत नहीं है, तब तक करते रहिए। तो फिलहाल मेरे तो लग रहा है वो खत्म हो गया है, ड्राइनेस आ चुका है। ओके सो ये रहा, ख़त्म हो गया मेरा स्प्रेडिंग। अब थोड़ा मैं फिर से स्टेलाइज कर लेता हूँ, देन उसको रख देते हैं। तो ये रहा हम लोग का कंप्लीशन ऑफ सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो कि स्प्रेडिंग था। तो का ये जो पोरिंग किए थे वो भी प्लेट सॉलिडिफाई हो चुका है, जैसे मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए ये हम लोग का प्लेट सॉलिडिफाई हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो प्लेट्स को लेकर अभी इंक्यूबेटर में रखेंगे फॉर होल नाइट इंक्यूबेशन। हम लोग अपने प्लेट्स को अभी इंक्यूबेट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर रख दिया अपना प्लेट्स रख दिया है इंक्यूबेटर के लिए, इंक्यूबेशन के लिए। तो ये रहा हम लोग का इंक्यूबेटर, इसको बंद करते हैं फॉर होल नाइट इंक्यूबेशन। थैंक्स सर, नेक्स्ट सक्सेस।